everyone, welcome you all to Fun English Class. I'm your educator Shubhi Srivastav. So guys, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ टाइटल्स के बारे में जिनको हम टाइटल्स ना बोल के उनका एक्चुअल वर्ड होता है ऑनरिफिक. क्या होते हैं ऑनरिफिक? आप लोगों ने सुना होगा मिसेस, मिस, क्या होता है ये सब? मिसेस, मिस, मिस्टर, क्या है ये सब? इन सब को हम कहेंगे ऑनरिफिक. तो आज हम बात करेंगे स्पेशली फीमेल्स के केस में. अच्छा, फर्स्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, हम इसको ऑनरिफिक क्यों बोलते हैं? ऑनरिफिक ये वर्ड हम क्यों बोलते हैं? देखिए, ऑनरिफिक, ऑनर, ऑनर मतलब क्या होता है? सम्मान होता है. व्हेनेवर वी हैव टू शो रिस्पेक्ट टू समवन, अगर हमें किसी को रिस्पेक्ट दिखानी है, सम्मान दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको कैसे बुलाते हैं? मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे आपके फादर का क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, या आपके मदर का क्या नाम है. कोई आपसे पूछे आपके पिताजी का क्या नाम है, आप ये नहीं कहोगे राजेश कुमार है हमारे पिताजी का नाम. नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोलोगे. आप क्या बोलोगे? मिस्टर राजेश कुमार. या फिर अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी माता जी का क्या नाम है, आप क्या बोलोगे? मिसेस दिस दिस. क्या बोला आपने, उसके आगे मिस्टर और मिसेस लगाया ना, क्यों लगाया? ऐसे भी तो बोल सकते थे, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन हम उनको सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए हम उनके नाम के आगे मिस्टर, मिसेस या मिस, ये सारी चीजें यूज करते हैं. तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑनर फिक. इसमें जो ऑनर वर्ड है ना, ऑनर वर्ड का मतलब होता है सम्मान. तो चलिए, अपना आज का सेशन हम इसी के साथ में शुरू करते हैं. और आज हम सबसे पहले बात करेंगे फीमेल्स के केस में. फीमेल्स के केस में हम सब लोग जानते हैं, दो चीज हमने सुनी हुई है, मिसेस, एम आर एस, मिसेस, और दूसरा हमने सुना है मिस, ठीक है. लेकिन सिर्फ दो नहीं होते हैं, रादर तीन केसेस होते हैं. एक होता है मिसेस, एम आर एस, मिसेस, दूसरा होता है मिस, एम आई डबल एस, मिस, और तीसरा होता है एम एस. जो एम एस होता है ना, उसको हम मिस ना प्रोनाउंस करके उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है मिस, एम आई जेड. लिखना नहीं है एम आई जेड कभी भी, प्रोनाउंसिएशन जब आप बोलते हो तो इसको मिस बोलना है, मिस नहीं बोलना है. जो एम एस होता है उसका एक्चुअल रियल प्रोनाउंसिएशन मिस होता है. तो चलिए हम बात करते हैं कब हम मिसेज यूज करते हैं, कब हम मिस यूज करते हैं और कब हम मिस यूज करते हैं. और हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि जो जेंडर न्यूट्रल लोग होते हैं उनके लिए हम कौन सा ऑनरिफिक यूज करते हैं. जो जैसे आपके ट्रांसजेंडर्स हो गए, उनके लिए हम कौन सा ऑनरिफिक यूज करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिसेस के बारे में. मिसेस हम सब लोग को पता है कि व्हेनेवर अ वुमन इज मैरिड, अगर हमें उनका नाम लेना है तो हम क्या बोलेंगे? मिसेस. जैसे अगर आपको अपनी मम्मी का नाम बताना है किसी को, आप बोलोगे उनके नाम के आगे मिसेस लगाएंगे, ठीक है जी. तो अगर वुमन मैरिड है उस केस में हम मिसेस बोलेंगे. एम आई डबल एस, मिस कब यूज करते हैं? व्हेनेवर अ वुमन इज अनमैरिड, अगर लड़की अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, उस केस में हम मिस बोलेंगे, एम आई डबल एस वाला मिस. अब ये तो बात हो गई मिसेस की और मिस की, एम आई डबल एस की हो गई और एम आर एस मिसेस की हो गई. थर्ड इज मिस. मिस कब यूज करते हैं? कभी भी नहीं यूज कर लेते हैं. मिस हम यूज करते हैं तब व्हेनेवर वी आर नॉट श्योर ऑफ द मैरिटल स्टेटस ऑफ अ वुमन. जब भी हम श्योर नहीं होते हैं कि सामने वाली जो वुमेन है, सामने वाली जो औरत है, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, क्या वो शादीशुदा है या क्या वो डिवोर्स्ड है या क्या वो विडोड है, हमें नहीं पता उनका मैरिटल स्टेटस क्या है. इन दैट केस वी विल ऑलवेज से मिस, कि हमें नहीं पता है कि उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, उनका डिवोर्स हो गया है क्या या वो विडो हो गई है क्या, वी डोंट नो एनीथिंग. अगर हमें नहीं पता है सो फॉर अ सेफर साइड वी विल ऑलवेज से मिस. तो चलिए, आज आपको ये पता चल गया कि मिसेस कब यूज करते हैं. वैसे मिसेस के बारे में सबको पहले से पता था, बट स्टिल मिसेस कब यूज करते हैं, मिस कब यूज करते हैं और मिस कब यूज करते हैं. नाउ कम्स द फोर्थ टाइटल. ट्रांसजेंडर के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसजेंडर के लिए टाइटल होता है एम एक्स. एम एक्स जो होता है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है मिक्स, एम आई एक्स लिखेंगे हम एम एक्स, ठीक है जी. ये हम कब यूज करते हैं? Whenever we are not sure of the gender, जब भी हम सामने वाले के जेंडर के बारे में श्योर नहीं होते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, ये सामने वाला अपना जेंडर डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, उस केस में हम हमेशा एम एक्स यूज करेंगे, मिक्स.
नॉट एमएस, मिस नहीं करेंगे, ना मिस करेंगे, ना मिसेस करेंगे, ना मास्टर ना मिस्टर, ये सब कुछ नहीं करेंगे. हम क्या यूज करेंगे? हम एमएस यूज करेंगे, मिक्स यूज करेंगे. सो गाइज, दिस वॉज आर सेशन ऑन ऑनरिफिक. क्या होते हैं ऑनरिफिक? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बता दिया है मैंने आप लोग को. और आज हमने फीमेल के केस में बात करी थी. अपने किसी और सेशन में हम मेल्स के भी केस में बात करेंगे कि हम मास्टर कब बोलते हैं, मिस्टर कब बोलते हैं, इसका भी अलग अलग रूल है. तो अगर गाइज आप लोग को कुछ भी थोड़ा सा भी ये सेशन नॉलेजेबल लगा हो, आप लोग अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ नया पता चला हो, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा. व्हाटएवर यू फील लाइक, जो भी आपके व्यूज हो कमेंट सेशन में लिखिएगा जरूर. एंड प्लीज अगर आप लोग सेशन अच्छा लगा हो देन डू लाइक द सेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.